अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? कमेंट में जरूर बताना, और जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरी किचन से रिलेटेड हर वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। यहाँ पे मैं बना रही चने आलू की सब्जी। यहाँ पे मैं कुकर में लिया है ऑनियन, मस्टर्ड ऑयल गर्म करने के बाद ऑनियन, यहाँ पे सूखा मिर्च ऐड किया, अदरक लहसुन का पेस्ट था, अदरक लहसुन का पेस्ट मिक्स करना है। उसके बाद यहाँ हम अपने मसाले को रेडी करना है। मसाले में कुछ नहीं करना है, जो हम रेगुलर मसाला देते हैं वही मसाला मैंने ऐड किया है। यहाँ पे सिर्फ मैंने एवरेस्ट का चना मसाला यहाँ पे ऐड किया है। उसके बाद हल्का पानी ऐड करने के बाद उसको अच्छे से प्योरी बना के उसमें डाल देना है। यहाँ मैंने टमाटर कट करके डाल दिया है। अब इसके बाद मसाले को अच्छे से भूज लेना है। तब तक मसाला भूजता है तब तक आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे मैंने रात में चना भिगोया था क्योंकि मुझे मॉर्निंग में सब्जी बनानी थी, तो चना कभी भी आप एक दो घंटे पहले ही भिगो लें। तो यहाँ मैंने भिगाया था, अच्छे से भिग चुके थे। यहाँ मैंने मसाला चेक कर रही थी, मसाले अच्छे से भूजना है। यहाँ मसाले अच्छे से भूज रहे थे। यार आप लोग मुझे कमेंट में बताइए रेसिपी कैसी लगती है और आपको किस चीज़ की रेसिपी चाहिए, वो मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे कुकर में मैंने चना आलू कच्चा ही था, मैंने बॉईल नहीं किया था चना आलू। यहाँ पे अच्छे से उसको मिक्स कर लेना है, अच्छे से ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने अच्छे से उसको भूज लिया था 5 मिनट। 5 मिनट भूजने के बाद इसमें हल्का सा ही वाटर मैंने ऐड किया है। ऐड करने के बाद यहाँ पे सब कुकर लगा, मैंने सीटी लगा दी थी, 2-3 सीटी के बाद गल चुका था। आप देख सकते हैं यहाँ पे चना बिल्कुल ही रेडी हो चुका था। बस हल्का सा भूज के, बस इसको हल्का सा जो वाटर है ना उसको हल्का सा भूज लेना है। यहाँ पे चना बिल्कुल ही रेडी था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग को रेसिपी कैसी लगी है और मैं आगे किस चीज़ की रेसिपी आप तक शेयर करूँ। और प्लीज़ जो जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारा लाइक दीजिए। बाय, आई लव यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।